उत्तराखंड ट्रक एसोसिएशन बांदा द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भेजा गया। जिले में चल रहे ओवरलोड को लेकर बुंदेलखंड ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष की अगुवाई में आज 30 से 35 कार्यकर्ताओं के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर कहा गया है कि ओवरलोड पर प्रशासन लगाम लगाए, अन्यथा ट्रक एसोसिएशन इसका विरोध करेगा। अगर नियम है तो सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अंडरलोड पर चल रहे ट्रकों को दूषित मानसिकता की वजह से परेशान किया जा रहा है और ओवरलोड धड़ल्ले से संबंधित प्रशासनिक तंत्र से मिली भगत कर चलाया जा रहा है और अंडरलोड वाले काफी परेशान हैं। ओवरलोड बंद करवाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महोदय बांदा को क्या कदम लिया है? क्या ट्रक जो है ओवरलोड, हाँ जो ओवरलोड गाड़ियां चल रही हैं, ओवरलोड रोका जाए। अच्छा, ये पहले बताए ओवरलोड पर जो है कार्रवाई अगर नहीं हो पा रही है, इसके बाद में अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम अभी तो प्रशासन से मांग करेंगे, अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है तो उसके लिए हम लोग ज्ञापन देंगे, उसके बाद फिर चक्का जाम करेंगे। आए दिन देखिए ओवरलोड जो है ट्रक निकल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, रोडें ध्वस्त हो रही हैं, बाईपास एकदम जर्जर हालत में है, इस पर क्या विचार है आप लोगों का? ये तो प्रशासन की व्यवस्था है, प्रशासन उसको व्यवस्थित करे, नहीं कर रहा है तो फिर वो हमारे पास लास्ट अंतिम व्यवस्था है कि हम लोग ज्ञापन देंगे, समय लेने के बाद चक्का जाम करेंगे। जी, शुभ नाम क्या है आपका? शिवकरण सिंह। क्या पद है आपका? अध्यक्ष बुंदेलखंड ट्रक एसोसिएशन।